बाइक दिलाने के नाम पर आदिवासी ग्रामीणों से ठगी करने का एक मामला शहडोल कोतवाली में सामने आया है, जहां उमरिया जिले के बिजरोली ग्राम के दो युवकों से शहडोल के एक रसूखदार व्यक्ति ने ठगी के नाम पर खुद को मंत्री का करीबी बताकर दोष देते हुए उनसे धोखाधड़ी की, जिसकी शिकायत अब इन दोनों लोगों ने थाने में की। उमरिया जिले के ग्राम बिजोरी निवासी सुधीर कुमार चौधरी व बकेली के कोदूलाल चौधरी ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है कि अपने खून पसीने की कमाई से दोनों को एक एक बाइक लेना था, जिसके लिए उन्होंने अपने पड़ोस के गांव में रहने वाले मित्र दुर्गेश द्विवेदी से संपर्क किया तो उसने शहडोल के अपने सहयोगी राज सिंह से संपर्क कराकर बाइक दिलाने की बात की, जिस पर राज सिंह ने दोनों ग्रामीण युवकों से पहले तो बाइक फाइनेंस के नाम पर 17,000 रुपये देकर दो बाइक फाइनेंस करा दिया, जिसके कुछ दिन बाद राज सिंह ने दोनों युवकों से बकाया रकम लगभग 84,000 रुपये फाइनेंस कंपनी में जमा कराने के नाम पर ले लिए और जमा नहीं किया। इस दौरान जब कंपनी से बकाया रकम जमा करने के लिए नोटिस आया तो दोनों के होश उड़ गए। ग्रामीण युवकों ने राज सिंह से पैसे की मांग करने पर खुद को मंत्री का करीबी बताकर धमकी देता रहा, जिससे हाथ होकर दोनों ग्रामीण आदिवासी युवकों ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की। पीड़ित युवकों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने दुर्गेश द्विवेदी व राज सिंह के खिलाफ धारा 420, 406 व 34 के तहत मामला दर्ज कर कोतवाली पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में खास बात यह रही कि खुद को मंत्री का करीबी बताकर मंत्री के साथ कुछ फोटो क्लिक कराकर मंत्री की दोस्त बताने वाले ठग राज सिंह से बाइक के पैसे के लेन देन का दोनों ग्रामीण युवकों ने वीडियो बना लिया था, जो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। जी, हमको सुधीर बुलवाया गया कि बिजौरी में, बिजौरी आए हम लोग कि हम शहडोल जाएंगे, तो ये लोग दुर्गेश द्विवेदी के यहाँ गए। दुर्गेश द्विवेदी हमको यहाँ शहडोल भेजा फोन के माध्यम से, तो यहाँ राज सिंह के पास, राज सिंह ने हमको लेके गए एजेंसी से, गाड़ी हमको फाइनेंस करवाया है और फाइनेंस करवा के बाहर पैसा लिया हमसे, मान लो कि 1,17,000 में गाड़ी में फाइनेंस करवा के 18,000 गाड़ी एच हीरो स्प्लेंडर का दिया है और 15,000 एच एफ डिलक्स का, बाकी दूसरे दिन पैसा हमसे 84,000 नगद कैश ले लिया है, वो पैसा दे नहीं रहा है। और फोन से हम बात करें एक दिन तो कह रहा है कि मैं पैसा नहीं दूंगा, जो करना तो कर लो, और धमकी भी दे रहे हैं। क्या धमकी देता है? कहता है कि जहाँ जाना हो, चाहे तुम कोतवाली चाहो चाहे भोपाल चले जाओ, पैसा नहीं मिलेगा। मैं गृह मंत्री के आदमी हूँ, मैं उससे मिला हूँ, मैं वहाँ से कुछ नहीं होगा मेरा। कौन से शोरूम में आपको ले गया था? विभोर एजेंसी में। हमारे साथ ये हुआ है कि 1,17,000 हमसे पैसा ले लिया गया है धोखाधड़ी करके। राज सिंह नेक नारायण घरौला मोहल्ला शहडोल का, इसने फोन के माध्यम से हमको बुलाया शहडोल। बुलाने के बाद में हमसे 1,17,000 पैसा ले, उसमें से 32,000 रुपया एजेंसी में जमा किया, एक ठो गाड़ी एच एफ डिलक्स का 15,000 और स्प्लेंडर प्लस का कोदूलाल के नाम से गाड़ी है वो उसका 18,000 और बाकी वो पैसा 84,000 रुपया वो खा के बैठ गया है, पैसा एजेंसी को जमा नहीं कर रहा है। तो अब जब पैसे के लिए बोल रहे हो तो क्या बोलता है? पैसे के लिए बोलते हैं तो कहता है कि मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मैं गृह मंत्री के साथ में बैठता हूँ, टी आई साहब ने कोतवाली साहब थाना के अंतर्गत बात की है, साहब कोतवाल टी आई साहब को बोलता है कि गृह मंत्री जी से बात करवाऊँ आपका, नरोत्तम मिश्रा जी से, धमकी दे रहा हूँ हमको, बोल रहा है कि व्यर्थ में आपको परेशान हो, आपको पैसा नहीं मिलेगा, परेशान हो आप रहे जाइए, मैं पैसा नहीं दूंगा। उसके जब हम लोग पैसा दिए उसको वीडियो भी बना के रखे हैं, वीडियो बनाने के बाद में स्टाम्प में लिखित भी लिए हैं, नोटी करवा के आप लिखित कीजिए हमको कितना हम लोग पैसा दे रहे हैं, उसका स्टाम्प करके नोटी सिग्नेचर करके सब दिया है हमको। फरियादी कोदूलाल चौधरी और सुधीर चौधरी ने रिपोर्ट किया कि अनावेदक राज सिंह और दुर्गेश द्विवेदी के द्वारा उनके साथ बाइक खरीदी के नाम पर धोखाधड़ी की गई है, जिस पर उनके द्वारा पैसे लेकर पैसे जो है एजेंसी में जमा नहीं किया, जिस पर जांच पर से राज सिंह और दुर्गेश द्विवेदी के विरुद्ध धारा 420, 406 और 34 IPC का मामला कायम किया गया है। मामला विवेचना में है, विवेचना पश्चात वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्राइंड भारत TV के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।